मोहब्बत करते हैं इमरान खान के। हमने काफ़ी ज़रा से भी मालूमात ली और सर्वे भी किया। माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी और आपकी आवाज़ पे लोग लबैक कहते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोगों का प्यार है, तो ये लोगों का प्यार ही मुझे सियासत में अभी तक जो है ना कायम रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है हमारा ये सब। यहाँ के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अगर महलों में चले जाएं तो वहाँ पे सीवरेज के, सीवरेज गैस के, बिजली के, बाहर चले जाएं इरीगेशन मसाइल। तो मैं ईमानदारी से पूरी कोशिश करता हूँ, खासकर मैं अपने गरीब भाई जो मेरे हैं, जो मेरे वोटर सपोर्टर हैं, उनके लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, बेलोस करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आपने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया? देखिए जी, ये मैं तो समझता हूँ मैं हादसाती तौर पर सियासत में आया, क्योंकि यहाँ पे इतनी महरूमियाँ थी हमारे इलाके में, तो यकीन करें कि मैंने एक कदम बढ़ाया, लोगों ने वेलकम किया, लोगों ने मुझे आज तक कंधों पे बैठाया हुआ है। तो मेरी भी कोशिश होती है कि जो लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं भी दिन रात उनके लिए कोशिश करता हूँ, बल्कि मैं तो सुबह से लेकर रात दोनों बज जाते हैं, मैं लोगों के मसले मसायल जो भी लोगों के घर पर जाके इवन के, मेरी कोशिश होती है कि लोग थाना कल्चर से बैठे, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे बैठा के जिदा करके कोई कट करके तो उनकी सहायता करते जी। बहुत अच्छे। अच्छा सर, ये बताएं कि पहले आप पीपल्स पार्टी से MNA मुंतखब हुए थे और अब इस बार PTI से भरपूर तरीके से आपने बहुत अच्छी लीड के साथ MNA की सीट विन की, तो पीपल्स पार्टी और PTI में आपने क्या महसूस किया और आपने उस दौर में और इस दौर में क्या लोगों को फैसिलिटीज मुहैया की? देखिए जी, पीपल्स पार्टी का मैं MNA रहा हूँ, 5 साल मैंने खिदमत की है लोगों की। मैं पार्टी मेरी बहुत अच्छी थी, बस लीडरशिप से मेरा शिकवा था कि जो मुझे यहाँ पे खिदमत करनी चाहिए थी रेंजर की, 5 सालों में वो मैं नहीं कर सका था, क्योंकि वो ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी सिंध थी, पंजाब को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था। मगर फिर भी मैं कोशिश करके अपने रेंजर था के लिए मैंने बड़ी खिदमत मिली है उन 5 सालों में, मगर मैं अपनी लीडरशिप से मुतमिन नहीं था, इसलिए मैंने इमरान खान का विजन देखा, इमरान खान की बातें सुनी, तो मैंने कहा अगर सियासत करनी है ईमानदारी के साथ तो फिर इस बंदे के साथ करनी चाहिए। अब भी मेरा ज़मीर मुतमिन है जो मैंने फैसला किया है। देखिए, मैंने इमरान खान में आज तक कोई ऐसी बात नहीं देखी कि जिस पर मुझे पछतावा हो, बल्कि मैं खुश हूँ कि जो इमरान खान कोशिश कर रहा है हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए, मैं उस पर बड़ा मुतमिन हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे मुल्क के हालात बहुत बेहतर होंगे, हमारा मुल्क बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान साहब ने कैसे अपने आप को स्टेबल किया और निचले दर्जे से ऊपर कैसे आए, ये तो हर बंदा ही जानता है, और जैसे उनकी कामशें हैं वो अल्लाह करे इंशाल्लाह जरूर पूरी हो। आप उनकी नज़र में क्या कहना चाहेंगे कि इमरान खान साहब ने जो ख्वाब दिखाए हैं या ख्वाब देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान की आवाम को, गरीब आवाम को अंधेरों से निकाल सकते हैं? जो मैं समझता हूँ कि कोशिश हो रही है ना, मेरे ख्याल में तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके सवरात मिलेंगे इंशाल्लाह कौम को। देखिए, पिछले 5 सालों की मैं बात करता हूँ, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता। पिछले 5 सालों में मेरे रेंजर नाम में जो इन्होंने इसका हुलिया बिगाड़ा है, बाकी कसम उसकी मिसाल नहीं मिलती। कोई यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नहीं है, यहाँ पे कोई बिजली का सिस्टम नहीं है, सुई गैस का सिस्टम नहीं है, तबाह होके रह गया है। और यहाँ पे जो पिछले 5 साल कब्जा माफिया था, थाना कल्चर था, भेड़ा गर्क करके रख दिया था पिछली गवर्नमेंट, जो पिछले 5 साल गुजरे हैं,
इंशाल्लाह ताला मैंने हर जगह पे स्पोर्ट्स मापा में गया हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ कहता हूँ कि अगर किसी पे नजायज बच्चा हो हमारे इस दौर में तो फिर उसका मैं जिम्मेदार हूँ। मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ी तब्दीली है, सबसे बड़ी ये तब्दीली है। किसी गरीब आदमी को तंग नहीं किया जाएगा, नजायज बच्चा नहीं होगा, नजायज किसी को पकड़ेंगे नहीं, तो ये छोटी तब्दीली है। इंशाल्लाह लोगों को घर पे इंसाफ मिलेगा, मेरी कोशिश है। और जो यहाँ के मसाइल हैं, जो हमारी स्कीमें रुकी हुई हैं, बल्कि कई सालों से रुकी हुई हैं, हमारी कोशिश है उनको पहले हम पूरा करें, उसके बाद हम डेवलपमेंट में जाएंगे। और जो हमारा बेसिक मसाइल है हेल्थ के, एजुकेशन के, उनको भी हम प्रायोरिटी पे देख लें। अच्छा, आपने अभी नाम लिया कि जो तरक्याती काम हो रहे थे और जो होने वाले हैं, जो पिछले साल पिछली हुकूमत में नहीं हुए या रुक गए थे, आप जो आपकी हुकूमत में जो तरक्याती काम जिला रहीमियर खान के लिए आपने कोई स्टार्ट किए हैं या रुके हुए को आपने उसको आगे बढ़ाया है, तो वो आप उसकी कुछ तफसील बताएंगे हमारे नाज़रीन को। देखें, ये हमारे फ्लाई ओवर बन रहा है, उसके NOC का मसला था बड़ा दरीना रेलवे का, वो मैंने जाके रेलवे वाले मिनिस्टर उनके GM से मीटिंग करके वो मैंने क्लियर कराया, और इनके फंड जो है वो हाल ही 2-4 दिन में रिलीज हो जाएंगे। दूसरा एक हमारी रोड है थली चौक वाली, वो वहाँ पे लोग इतने कि यकीन करें कि वहाँ से गुजरा नहीं जाता था, अब जाके देख लें उसका काम शुरू करवा दिया हमने। इसी तरह हम बारी बारी जो हमारे काम रुके हुए थे, हमारी प्रायोरिटी है कि पहले वो उसके बाद उसे शुरू करवा। बाहर हमने आवाम को भी दिखाया थोड़ी देर पहले और ओपन कचहरी आप लगा के बैठे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और कोई MNA या MPA ओपन कचहरी लगाता है। आप सबके उनके मसाइल सुन रहे हैं, उनको हल भी कर रहे हैं, और ऑन द स्पॉट कॉल करके हमने वो भी रिकॉर्ड किया है, आवाम को अभी दिखा रहे हैं कि आप ऑन द स्पॉट कॉल करके उनको आप उनके मसले हल कर रहे हैं। तो जो गरीब आवाम मजीद आपके पास आ रही है या आ चुकी है या आने वाली है, उसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या और मजीद क्या करना चाहते हैं? देखिए, मेरा स्टाइल यही है कि मेरा गेट जब सुबह खुलता है ना 5 बजे, तो ये रात को तकरीबन 2-3 बजे तक मेरा गेट खुला रहता है, गेट नहीं मेरा बंद होता। अगर कभी मेन गेट बंद भी हो जाए तो साथ एक गेट छोटा सा लगा वो खुला होता है। तो मैं कहता हूँ कि रात को अगर किसी को मसला हो तो उसको कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए मेरा स्टाइल यही है कि मैं पूरी तैयारी बाहर बैठता हूँ, अमीर हो गरीब हो लैंडलॉर्ड हो सनअतकार हो, मुझे वहाँ पे मिलेगा। मैं कभी किसी को कोई ड्राइंग रूम में बैठा के नहीं मिलता, बाहर मिलता हूँ, सबके काम करता हूँ। जब तक एक बंदा भी यहाँ पे बैठा होगा मैं यहाँ पे हूँ, उसके बाद फिर मैं जाता हूँ दूसरे ऑफिस के दफ्तरों पर जो मिसाइल होते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं। तो जब रेंजर हाँ में होता हूँ तो मैं यहाँ पर हाजिर होता हूँ, ये नहीं होगा कि कहीं मैं कहीं छुप गया या कहीं कमरे में बैठ गया, बाहर बैठा था, लोगों के काम करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला आपको मैं दावे से कहता हूँ कि 2-3 माह में बहुत तब्दीली नज़र आएगी। इंशाल्लाह तब्दीली तो हर इंसान को चाहिए, और यही वजह है जो आवाम आपसे इतनी मोहब्बत करती है। जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, और हमारा धूम न्यूज़ नशरियात ओपन कर चुका है 161 मुल्क में, तो आप हमारे धूम न्यूज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मेहरबानी धूम न्यूज़ की, जिन्होंने इस काबिल मुझे समझा, तो मेरी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों की टीम के साथ हैं। आप इंशाल्लाह जो हमारे जो मसाइल हैं उनको उजागर करें, जो हमारे रेंजर हाँ में खासकर जहाँ पे कोई मसला है वहाँ पे मुझे भी बताएं, उसको उजागर करें। हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि जो चीज़ आप पिन पॉइंट करेंगे उसका हल भी हम इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जावेद भाई साहब।
आपका पैगाम सारी दुनिया को इंशाल्लाह पहुंचेगा, और ख़ास तौर पे रहीम यार खान की आवाम की तरफ से आपके लिए दिल की गहराइयों से प्यार भरा सलाम, और हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, धूम न्यूज़ की तरफ से, हमारे सीईओ मुनव्वर अजीज़ राजपूत साहब की तरफ से आपको बहुत वेलकम।